सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने वाइल्ड फेस्टिव कलर के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं वाइल्ड फेस्टिव कलर को हम कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, तो मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ वाइल्ड फेस्टिव कलर से। यह है वाइल्ड फेस्टिव कलर, ये एक सॉफ्ट मीडियम है। देखिए ये 50 का सेट है, ये 50 कलर इसमें एक साथ है। एक उठा का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कलर काफ़ी सॉफ्ट कलर है, ये बिल्कुल सा सॉफ्ट है, वैक्स के जैसा आता है, ये वैक्स के जैसा कलर कर रहा है। ये 50 के सेट में आएगा या मार्केट में ये आपके 25 के सेट में मिलेगा, क्योंकि ये 12 के सेट या 14 के सेट में मिल जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ इसमें ये है कि आपको कलर को पहचानना है कि कलर का हम सिक्वेंस कैसे लगाते हैं, यानी कलर का क्रम कैसे लगाएंगे जो हमारे ड्राइंग करने में आसानी हो। क्योंकि ये कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए ज़रूरी है कि कलर को पहचाने आप। जैसे मैं रेड कलर लिया, रेड एक प्राइमरी कलर है, इस कलर को कैसे धीरे धीरे सॉफ्ट की ओर ले जाएंगे। सबसे लास्ट में वाइट रहेगा, फिर रेड से डीप शेड लेना है तो इसके लिए हम चॉकलेट ब्राउन लेंगे, और इसके बाद हम ले रहे हैं ब्लैक। देखिए ये रेड कलर का शेड तैयार हुआ, मतलब रेड कलर इस कलर से करेंगे तो पीछे के शेड में और आगे के शेड में जा सकते हैं, जो हमें ड्राइंग में सहायता पहुंचाएगा। इसी प्रकार मैं एक दूसरे कलर का शेड तैयार कर रहा हूँ, वो ग्रीन है। जैसे ही ग्रीन हुआ मैंने डीप ग्रीन लिया, फिर हम इससे एक डीप ज़्यादा डीप ग्रीन लेंगे, फिर इससे हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन लेंगे, फिर ये येलो और ज़्यादा डीप ग्रीन, अंत में किसी के लास्ट में ब्लैक और आगे वाइट रख सकते हैं। देखिए ये ग्रीन का सेट तैयार हुआ। क्रम से देखिए ग्रीन कलर लाइट करेंगे तो इधर कलर मिक्स करेंगे, डीप करेंगे इधर प्लस में कलर मिक्स करेंगे। इसमें इस प्रकार रेड ग्रीन, फिर मैं अगला सेट तैयार कर रहा हूँ ब्लू का। ये ब्लू का मेन कलर लिया मैंने ब्लू, ये उससे लाइट, बीच का शेड है, ये और डीप, फिर आगे वाइट, पीछे ब्लैक। ये देखिए ब्लू कलर का सेट हुआ, लाइट से डीप की ओर। इसी प्रकार जो भी हम कलर करना चाहेंगे उस कलर का सेट तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कम कलर है तो आप ये बीच का सेट गाइड कर सकते हैं, आप सिर्फ बीच का जो कलर है ब्लू उसमें वाइट मिलाकर इधर का सेट और ब्लैक मिलाकर उसका इधर का सेट ले सकते हैं। इसका ये कलर करने का ढंग है, मैं थोड़ा सा कलर करके यहाँ दिखा रहा हूँ साइड में इसका क्या फ़ायदा है। जैसे ये ब्लू हमने यूज़ किया यहाँ पर, और जैसे जैसे इसको वाइट मिक्स करेंगे देखिए एक दूसरे में मिक्स होता है, ये लाइट होता चला जाएगा, और हम इसे डार्क करने के लिए हल्का सा ब्लैक मिक्स करेंगे। देखिए लाइट से ये डीप होता चला गया। इस कलर के सीक्वेंस को आपको यूज़ करना है अपनी ड्राइंग में। इसी प्रकार मैं ग्रीन का करके दिखाता हूँ, ये मैंने ग्रीन का एक टोन लिया, फिर ये कलर धीरे धीरे इसी डार्क होता जाएगा। एक कलर का रिदम मिल रहा है हमें येलो से ग्रीन की ओर, और लास्ट में हम ये कोई भी रिदम डार्क होता हुआ बिल्कुल डार्क ब्लैक की ओर जाएगा। देखिए लाइट से डीप की ओर। इस कलर की खासियत एक दूसरे में मिक्स काफी अच्छा होता है और इस प्रकार का शेड बनाता है ये। इस प्रकार आप रेड का भी कर सकते हैं, घर में बैठ कर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसका हम अपने ड्राइंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक पेंटिंग बनाना। देखिए हाँ, तो अब मेरा स्केचिंग पूरा हो चुका है।
आइए देखिए, हम पेस्टल कलर को ले रहे हैं। ये पेस्टल कलर मैंने आपको बताया इस पेस्टल कलर को कैसे मिक्स करते हैं। अब हम पेस्टल कलर में जिस कलर को पहले यूज़ करना है, जैसे कि ये फ्लावर्स हो गए, तो मैं इसमें कलर का, अगर इसे मैं ऑरेंज से करना था, इस कलर के सिक्वेंस को चूमते हैं। देखिए सिक्वेंस कैसे, ऑरेंज, जैसे ऑरेंज कर लिया मैंने, इसे थोड़ा सा डार्क कलर, लाइट करने के लिए येलो, और लाइट करने के लिए और लाइट येलो। ये कलर का सीक्वेंस है, इन कलर के सीक्वेंस को बनाना जरूरी है, और इस सीक्वेंस को हम हमेशा कलर करते समय यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि अगर ये ऑरेंज है तो साइड के पोर्शन को ऑरेंज कर रहा हूँ, फिर इससे लाइट के लिए मैंने ये कलर चुना है, एकदम मिड के भाग के लिए हमने लाइट येलो को, पेले येलो को चुना है, और ये जो हमारा मेन कलर है, इससे थोड़ा सा डार्क कलर को हम इसके साइड एरिया के लिए चुनते हैं, जिससे बॉर्डर लाइन के आसपास हम कलर करेंगे। यही सीक्वेंस हम चारों में दोहराने जा रहे हैं। एक कलर का यूज़ अगर आप जहाँ जहाँ होना है उस ढंग के ही पेटल में, तब एक साथ कर सकते हैं, बाद में मिक्स करने में आपको आसानी होगी। ये कलर बार बार उठाने का, रखने का आपको समस्या नहीं रहेगा, आप आराम से कर पाएंगे। पेस्टल कलर में ज़रूरी है आपकी बॉर्डर लाइन का ध्यान दें। ये थोड़ा मोटा कलर होता है, अक्सर बाहर निकलने का डर रहता है, लेकिन आप कोशिश करें कि कलर बॉर्डर लाइन से बाहर नहीं निकले। मैंने कलर कर दिया इसे। इसके बाद फिंगर से या फिर आप कॉटन कपड़े को हाथ में इस तरह से लपेट लेंगे और इस कलर को मिक्स करेंगे। कोशिश करेंगे कि लाइट से डार्क में जाए, जैसे हमारी जरूरत है। जिस पोर्शन में कलर लग चुका है उसे आप हटाते जाएंगे, जिससे तो तस्वीर को आप खराब नहीं करें। देखिए कलर हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे फूल को रंगेंगे। मैं इसे कलर करके दिखाता हूँ, एक डिफरेंट कलर का सीक्वेंस इसके लिए चुनते हैं हम। ये रोज का इफेक्ट दे रहा है इसमें, इसलिए हम क्रिम्सन, रेड, रेड को डीप इफेक्ट के लिए हमने ब्राउन चुना है, और लाइट इफेक्ट के लिए ये देखिए हमने कलर का एक सीक्वेंस तैयार किया। हमेशा पेस्टल कलर बनाते समय हम कलर के सीक्वेंस को ध्यान जरूर देंगे, किस सीक्वेंस का कलर यूज कर रहे हैं। अगर हमारे मिड कलर ये रहना है, इसके एक लाइट शेड, उसका एक डीप शेड जरूर ले लेंगे। आपके पास इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसका लाइट शेड लिया मैंने, मैं प्रमुख दो जो कलर जो यूज करने जा रहा हूँ वो ये दोनों है, और इसका मैं लाइट शेड ये ले रहा हूँ। हर एक पेटल को अलग अलग चुनेंगे और उसे कलर करेंगे। ये मैंने अपर भाग को ये, और इससे थोड़ा डार्क कलर लेकर मैं इसके साइड के एरिया को कलर कर रहा हूँ। और एक उससे थोड़ा लाइट शेड ऊपर के एरिया में। बॉर्डर लाइन में भी मैंने नहीं किया है, बॉर्डर लाइन में लास्ट में जो डार्क शेड होगा उसे लेकर हम बॉर्डर लाइन पर घुमाएंगे। ध्यान रहे कि बाहर नहीं निकले। ये पेटल हो चुका है, अब आप देखिए। फिर मैं कॉटन कपड़ा लिया और इसे मिक्स कर दूंगा। कभी भी आप मेन पोर्शन से बाहर की ओर नहीं निकलेंगे, इससे होगा कि शेड बाहर की ओर फैल जाएगा, जो तस्वीरों का इफेक्ट को खराब करेगा। ये मैंने एक पेटल कलर किया है, इसी ढंग से हम नेक्स्ट पेटल भी करेंगे।
हर एक पोर्शन को अलग अलग। अब मैं एक साथ दो चार पेटल चुन लेता हूँ और एक कलर का काम साथ साथ कर रहा हूँ, जिससे आपको करने में आसानी होगा। अब मैं इसका लाइट शेड चुन रहा हूँ। ध्यान रहे, एक पेटल के एरिया से दूसरे पेटल के एरिया में प्रवेश नहीं करेंगे, ये आपकी तस्वीर को कमजोर करेगा। और डिटेल छिप जाएगा। सिंपल आप कॉटन लेकर आप इसे मिक्स कर सकें। ये काम आप उंगली से डायरेक्ट भी कर सकते फिंगर से, लेकिन उससे फिंगर गंदा होता है और आपको फिर उसे संभाल के यूज़ करना होगा, नहीं तो पेंटिंग को आपको ख़राब करेगा। देखिए मैंने कलर कर दिया है इसे। अब आप जहाँ ज़्यादा डीप हो गया वहाँ आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो फिर मैंने डार्क कलर लिया। अब बॉर्डर लाइन पर मैं चला रहा हूँ। मैंने आपको एक ये दिखा है, ये दिखा है, अब मैं एक लीफ दिखा रहा हूँ। लीफ के लिए पहले लीफ के कलर का सीक्वेंस चुनते हैं हम। ग्रीन चुना हमने, इससे ज़्यादा डीप ग्रीन और ज़्यादा, और जहाँ लाइट करना है वह मैंने येलो चुना। ये ग्रीन कलर का सीक्वेंस है। हाँ, अपने कलर को इस दोनों ग्रीन के बीच में रखने जा रहे हैं, इसलिए एक लाइट इससे एक डार्क इससे। अब मैं एक लीफ करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे एक छोटा सा लीफ चुन रहा हूँ। इससे डार्क शेड लिया मैंने। मैक्सिमम डार्क कलर लिया मैंने, जो चुना है मैंने लगाने के लिए। बॉर्डर लाइन से चलाएंगे हम। लाइट शेड जो हमने चुना है देखिए इफेक्ट आ गया ये। अब इसी प्रोसेस को हम पूरे ड्राइंग में रिपीट कर रहे हैं। अब जब फास्ट दिखाते हैं, देखिए इसे। हाँ, तो ये मेरा स्केचिंग लगभग कलर जो का प्राइमरी स्टेज पूरा हो चुका है। अब मैं फिर देखिए सारा एरिया मैंने भर दिया लगभग। अब ये फिनिश नहीं है, इस पर काफ़ी स्टेज हो आप देखेंगे। मैं पहले कॉटन ले रहा हूँ और जहाँ जहाँ वाइटनेस है वहाँ मैं मिक्स करूँगा इसे। पहले बैकग्राउंड के एरिया में, जो पीछे का एरिया है उसे मैं मिक्स करने जा रहा हूँ। ये कलर कभी कभी हमें फायदा पहुंचाता है, कभी हम डिस्टर्ब करें। जब लगे ये डिस्टर्ब कर रहा है तो हम हाथ को दूसरे जगह ले जाएंगे। देखिए फिर जो ये गंदा हो चुका है उसे हम हटाएंगे। इससे अच्छी तरह बॉर्डर लाइन को
अपने वाइट एरिया से मिक्स कर देंगे जो तस्वीर में एक खूबसूरत इफेक्ट लाएगा। अब हमने बैकग्राउंड लगभग मिक्स कर दिया है, जहाँ लगे आपको वाइट ज़्यादा है वह इन सब कलरों का यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मिक्स कलर का इफेक्ट पैदा करता है। कहीं वाइट कलर ज़्यादा बच गया है तो उसे आप कवर कर सकते हैं। इतना होने के बाद आप डार्क कलर लेंगे, मैं ब्लैक ले रहा हूँ, और चॉकलेट ब्राउन ले रहा हूँ। इस कलरों को हम मेन सब्जेक्ट के बगल में यूज़ करेंगे, जो एरिया में दबाव दिखाना है। इससे होगा क्या, हाईलाइट क्रिएट होगा, जो सामने का चीज़ है वो उभर कर सामने आ जाएगा और तस्वीरों को सुंदर सा इफेक्ट मिलेगा। देखिए इसे, कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ब्लैक यूज करें, ब्लैक चॉकलेट कोई भी बैक के एरिया को दबाने के लिए, ये बैक के एरिया को और दूर ले जाता है और फ्रंट के एरिया को बाहर के सामने लाता है। मतलब डार्क कलर का काम यहाँ करेंगे आप, और बैकग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड मिक्स कर दिया है, इससे बैकग्राउंड पूरा लाइट हो गया था, अब इस डार्क कलर से वो इफेक्ट लाएगा जो तस्वीरों में आपका डेप्थ पैदा करेगा। आउटलाइन ब्लैक से करने की जरूरत नहीं है, जो जिस कलर से बना हुआ है, जहाँ जिस कलर का इफेक्ट ज़्यादा है आप उसी से रिलेटेड कलर को उस किनारे डाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन के किनारे ग्रीन भी यूज कर सकते हैं आप, बस कंट्रास्ट का इफेक्ट हमें पैदा करना है यहाँ पे। ये पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे मिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। आपको भी फूल पत्ती छोटे ऑब्जेक्ट्स पेस्टल कलर से इस ढंग से कलर करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगेगा, इसे आप ज़रूर यूज करें, ट्राई करें, घर में बनाने की कोशिश करेंगे। अब तक आप पेस्टल कलर्स को कैसे मिक्स करना है, उनका रिदम कैसे बनाना है आप समझ चुके होंगे। आइए अब इसी पेस्टल कलर से अब हम एक छोटा सा लैंडस्केप बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसके प्रोसेस को देखें।